नमस्कार, आज हम ग्राम पंचायत महुआ गांव के सरपंच और सचिव का कारनामा दिखाने के लिए देवसर जनपद के अंतर्गत ग्राम पंचायत महुआ गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। और महुआ गांव की पंचायत में जो ग्राम पंचायत में बाड़ा बनाया गया गाय मवेशियों को रखने के लिए, यहां पर जो पोल गाड़ करके, सीमेंट का पोल गाड़ करके, जाली से रुंधाई करके और मवेशियों, आवारा पशुओं के लिए यहाँ पर बनाया गया व्यवस्था, गवर्नमेंट यानी मध्य प्रदेश सरकार की ये व्यवस्था बनाने का एक सिस्टम आया और उस सिस्टम की क्या कहानी है ये दिखाने के लिए आज हम इस जगह पर मौजूद हैं। दिखाएंगे यहाँ पर लगभग कितने पोल होंगे, कैमरा पर्सन चाहेंगे थोड़ा सा पोल पर नज़र डालेंगे। लगभग अगर देखा जाए यहाँ पर तो 40 पोल लगे हुए हैं, यहाँ पर 40 पोल लगाया गया है, ये सीमेंट वाला पोल, और वो भी कितना दिन हुआ अभी इसको बने और वो झड़ गया है। देख सकते हैं ये पोल है और ये जाली है, कितने दिन बने हुआ, अभी लगभग 2 महीने इसको नहीं बीता है और ये पोल पूरा झड़ गया है और 40 पोल मात्र लगा हुआ है। लगभग 2 से 3 मंडल इसमें ये जाली लगाया गया है और यहाँ पर जो जाली और पोल का या बिल लगाया गया ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत के द्वारा जो बिल लगाया गया, मास्टर लगाया गया, उसका अगर कहा जाए तो 100 पोल लगाया गया, 100 पोल लगाया गया है। इस पोल का 100 पीस का बिल लगाया गया है, साथ साथ 5 क्विंटल इसका। अब देखना तो ये होगा कि ये अगर जाली अगर दिखाए यहाँ पर लगभग 50 मीटर इस साइड में है, 50 मीटर उस साइड अगर बात करें तो दोनों साइड का मिलाकर 100 मीटर पूजेगा लगभग, और 100 मीटर में 5 क्विंटल ये जाली लग जाएगा। ये विभाग के आला अधिकारी जांच के उपरांत ही बता सकते हैं क्या 5 क्विंटल जाली ये होगा और क्या ये 100 पोल लगा हुआ है ये दोनों साइड। अगर उस साइड की बात करें थोड़ा सा उस साइड में दिखाएंगे कैमरा पर्सन, इस साइड भी वही कहानी है, उस साइड लगभग 15 से 20 पोल लगे हुए हैं और इस साइड भी 20 पोल लगे हुए हैं। 100 पोल का बिल लगाया गया, 5 क्विंटल ये जाली, और वो पोल भी कितना घटिया मंगाया गया था, ये 2 महीने में ही पूरा धराशायी हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पर ये 2 महीने अभी नहीं हुआ और ये पूरा धराशायी हो गया है, ये देख सकते हैं ये टूट रहा है हाथ से। इस तरीके का पोल लगाया गया और 100 पोल का बिल लगाया गया। यहाँ पर ग्राम पंचायत के उप सरपंच पति और कुछ ग्रामीण भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे इस विषय को लेकर कि आखिर इतना घटिया काम इस पंचायत में कैसे हो रहा है। आप ग्राम पंचायत के उप सरपंच पति और ग्राम पंचायत के नागरिक भी हैं, क्या ये आपके पंचायत के द्वारा जो ये निर्माण कार्य हुआ था गौशाला, यहाँ पर गायों को रखने के लिए बाड़ा का जो व्यवस्था किया गया था, इसमें भारी अनियमितता देखी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो बताएं, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा यहाँ सरपंच ब्रिजलाल प्रजापति और सचिव राम उतार साहू द्वारा इतना घटिया कारनामा है, जो कि ये पिलर पोल लगा हुआ है, इधर दिखाएंगे आप, ये पिलर लगा हुआ है, ये 40 पिलर लगे हैं, इसमें 250 रुपये पिलर ये लगा हुआ है दोनों तरफ, 100 पोल का पैसा निकाला गया, और जो 60 पोल लगे हैं उसका 650 रुपये करीब पैसा निकाला गया है। ये इस तरह ढस्ट पूरा निकाला, ये देखिए किस तरह ये टूट रहा है, टूटा हुआ है पूरा, ये देख लीजिए, और जिसमें 2 क्विंटल जाली तार लगी हुई है और इसमें 5 क्विंटल का बिल लगा के पैसा का राशि का हरण कर लिया गया है सरपंच ब्रिजलाल प्रजापति और सचिव राम उतार साहू के द्वारा। इस तरह मनमानी कार्य करते हैं कि न शासन से इनको डर लगता है न प्रशासन से, कुछ बोलते हैं शासन प्रशासन हम ही है, जो जिसको करना है कर लो, हम किसी से नहीं डरते। यहाँ पर सारे पोल टूटे हुए हैं, ये सारे पोल टूटे हैं, एक भी पोल सही नहीं है, पूरे पोल टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये पूरा पोल देख लीजिए, यहाँ पोल भी नहीं है और सब एक भी पोल सही नहीं है। और ये सरपंच सचिव का यहाँ का कारनामा है, कहीं नीचे टूटा हुआ है, कहीं ऊपर से टूटा हुआ है, ये देखिए पोल टूटा हुआ सब गिरे हुए हैं, इतना घटिया पोल लगाए हैं, यहाँ कैसे मवेशी रहे, कैसे क्या रहे। ये है हमारे ग्राम पंचायत महुआ गांव सरपंच और सचिव का कारनामा। इसका जो आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 100 पोल और 5 क्विंटल जाली है, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है जो बिल लगा है, जिसका राशि आहरण हुई है, उसका हमारे पास बिल की प्रति है, जो राशि आहरण कर लिए हैं, जिसमें से 40 पोल और 5 क्विंटल करीब जो जाली तार की हुआ है, ये अजय इंटरप्राइजेज के उसमें बिल लगा है वेंडर के खाते में, और जो 60 पोल है 650 रुपये करीब, वो ये क्या बोलते हैं आपका प्रवेश कॉन्ट्रेक्शन के नाम से ऐसा कुछ करके उनका नाम है, अभी हमें नाम नहीं मालूम चल रहा है, तो उनके नाम से 60 पोल का 650 रुपये पोल कहाँ मिल रहा है, और ये इतना ज़्यादा वो किस हिसाब से पोल लगे, पहले पोल भी देख लें कि 650 रुपये का पोल है कि नहीं है। अन्य जगह हमारी शिकायत बाजार नीलामी के लेके हुई थी उच्च अधिकारी के पास, हमने
माननीय SDM साहब को आवेदन प्रति उप सरपंच द्वारा दिया गया था और हमारे जो CO ब्लॉक CO हैं उनको हमने आवेदन दिए थे इसके जांच के लिए, जो बाजार नीलामी संबंधित थी। आज तक बाजार नीलामी भी हुई है, आज हमने 181 भी किया है बाजार नीलामी के संबंध में, उसके संबंध में हमने उच्च अधिकारी को जानकारी दिया है। बाकी इसके विषय में अभी हमने कहीं शिकायत दर्ज नहीं करवाई, ना कहीं आवेदन दिए। अब उस तरह तो हमने दिखाया आपको कैमरा के माध्यम से, अब इस तरह हम दिखाना चाहते हैं। आप इधर देख लीजिए, इस तरफ भी वही हाल है, टूटे फूटे पूरे पिलर हैं और 20 पोल इधर है, आप गिन के देख लीजिए पूरा 20 पोल है। और इधर मुश्किल से 60-70 किलो जाली इधर लगा होगा और इन्होंने 5 क्विंटल का जाली और 100 पोल का बिल लगाया हुआ है। और एक तरफ DB पावर की दीवार है, दूसरी तरफ वेयर हाउस का दीवार है, सिर्फ दो तरफ जाली तार लगा हुआ है जिसमें कि 20 पोल उधर है और 20 पोल इस तरफ गड़े हुए हैं। और इसमें सरपंच द्वारा और सचिव द्वारा 60 पोल की बिल जो लगाई है उन्होंने 650 रुपये पोल के हिसाब से लगाए, और जो 40 पिलर है वो 250 रुपये को। तो ये रेट भी अलग अलग उन्होंने कैसे लगाए, और पोल कहाँ है, पोल भी नहीं दिख रहा है। यहाँ सिर्फ 40 पोल दिख रहे हैं और 2 क्विंटल जाली तार दिख रहा है, 5 क्विंटल के उन्होंने बिल लगाया है। और एक तरफ पे वेयर हाउस का दीवाल है और दूसरा तरफ DB पावर प्लांट जो है उसका दीवाल है। तो इस तरह उन्होंने घोटाला कर रहे हैं, जिसमें कि 2 मोबाइल का बिल भी ऋतिक ट्रेडर्स में लगा हुआ है। वो मोबाइल भी पंचायत में नहीं है, किसके पास है, न सरपंच के पास है और सचिव के पास कहाँ पावर है। और फरवरी में मोबाइल 23,000 का रोजगार सहायक के पास लिया गया था, जो कि उनका मोबाइल खराब हो गया था। तो 23,000 का मोबाइल सत्यम मोबाइल के यहाँ से 23,000 का मोबाइल लिया गया था, क्या इतना जल्दी मोबाइल खराब हो जाएगा और हमारे रोजगार दो दो मोबाइल रखेंगे, और मोबाइल का बिल लगा तो मोबाइल है कहाँ, मोबाइल भी पंचायत में नहीं, ग्राम पंचायत में। सबसे बड़ी बात, ईटा सरिया, ये सीमेंट सरिया के दुकान में मोबाइल का बिल लगाया गया है। हाँ, ऋतिक ट्रेडर्स खाली वो सीमेंट सरिया और दरवाजा खिड़की सिर्फ इन्हीं का दुकान है, उनका मोबाइल का दुकान है ही नहीं, और मोबाइल को उसमें बिल लगाए हैं। और मोबाइल है कहाँ, मोबाइल भी दिखाएं, किनके पास मोबाइल है। और आप देख लीजिए आप कैमरा के माध्यम से, इस तरफ 20 पोल है और उस तरफ 20 पोल है, 50 किलो जाली इस तरफ लगा हुआ है और 50 किलो जाली उस तरफ है, बाकी दोनों तरफ लंबी लंबी दीवारें हैं, एक DB पावर की और एक तरफ वेयर हाउस की दीवार है। और इन्होंने ऐसा बिल लगा के पूरा पैसा का आहरण करते हैं, और कहीं 250 रुपये पोल के हिसाब से लगाते हैं, कहीं 650 रुपये पोल के हिसाब से। और पोल कहाँ है, ग्राम पंचायत में कहाँ लगा है वो दिखाएं, और किस बाड़े कानी हाउस में लगी हुई है पोल वो भी दिखाएं, सरपंच सचिव कहाँ रखे हैं। हमारा यही उच्च अधिकारी आला अधिकारी से निवेदन है कि वो सरपंच ब्रिजलाल प्रजापति और सचिव राम उतार साहू को ये जो काम करवा रहे हैं उसका जांच करवाने का विषय है, और जांच करवाएं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी करवाएं।